स्टोरी विथ बिनाका, सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। हाजिर है हरि प्रकाश राठी की कहानी मृत्यु गंध। न जाने क्यों कुछ मित्र आपकी परेशानी का सबब होते हुए भी आपको प्यारे लगते हैं। वे आपको वे बातें करते हैं जो आप सुनना नहीं चाहते, फिर भी आप पुनः पुनः उनकी बातों को सुनने उनके पास चले जाते हैं। अब विष्णु को ही लो, उसके पास ऐसी ऐसी रहस्यमयी बातों का खजाना है। भूत प्रेत, डायन पिशाचनियों, तंत्र मंत्र आदि की इतनी कहानियां हैं कि आप तौबा कर लें, पर जाने उसमें ऐसा कौन सा आकर्षण, कौन सा सम्मोहन है कि मैं पुनः प्रेरा हुआ सा उसके पास चला आता हूँ। मैं भी लगता है कोई उल्टी खोपड़ी का आदमी हूँ, डरता भी हूँ और डरावनी बातों में रस भी लेता हूँ। विष्णु मेरी इस कमजोरी को समझता है, तभी तो इसी शहर में 50 पार होने के बाद भी हम अब तक एक दूसरे के मित्र हैं। यूं ऐसा भी नहीं है कि वो मात्र अंडबंड बातें करता है। विष्णु मेरे बचपन का सहपाठी है, यारों का यार है और मेरे ऑटो पार्ट्स के व्यापार में प्रतिस्पर्धी होते हुए भी उसने मुझे अनेक बार संगीन मुसीबतों से निकाला है। इस सब के बीच वो इतना ही रहस्य, रोमांच और तिलिस्म से भरा है कि कभी कभी तो उसकी बातें सुनकर कांप उठता हूँ। इतना ही नहीं, इन सब बातों को सुनकर उन पर इतना सोचता हूँ, इतना मंथन करता हूँ, या यूँ कहूँ कि उनमें इस कदर डूब जाता हूँ कि मेरी खोपड़ी गर्मा जाती है। संजना मेरी इस दशा को देखकर तुरंत पहचान जाती है, कहती भी है, विष्णु जी ने कोई नया प्रेत पुराण खोपड़ी में घुसेड़ दिया क्या? तब मेरे पास चुप रहने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता। ऐसी ही एक बात विष्णु ने मेरी खोपड़ी में 10 वर्ष पूर्व इस कदर बिठाई कि आज तक उस पर सोच रहा हूं। दरअसल हम दोनों मॉर्निंग वॉक से लौट रहे थे कि आधे रास्ते पर राम चबूतरा दिखा। यहां नित्य सुबह असंख्य कबूतर और अन्य पक्षी चुग्गा चुगने आते हैं। मॉर्निंग वॉक से लौटते हुए हम अक्सर यहां रुकते थे। हम दोनों कुछ देर वहीं लगी एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गए। ओह, पक्षियों को दाना चुगते देखकर कितना आनंद आता है। कबूतर जब ऊपर से नीचे उतरते हैं या फिर वापस उड़कर लौटते हैं तो उनसे लगने वाली हवा आपको रूहानी आनंद से भर देती है। असंख्य पक्षियों के तृप्त होने का एहसास कहीं आपको भी अबूझ आत्मतृप्ति से सराबोर करता है। मैं यूं ही बैठा इन दृश्यों को निहार रहा था कि यकायक जाने कहां से एक बूढ़ा कृशकाय कौआ कांव कांव करता हुआ आया और मेरे सिर पर बैठ गया। मैं चौंका, मैंने हाथ ऊपर कर उसे उड़ाया और उसके उड़ते ही विष्णु से बोला, यार ये कौवे कब से आने लग गए? विष्णु कुछ देर चुप रहा तो मैं गंभीर हुआ। मैंने पुनः उससे ये प्रश्न किया तो उसकी आंखों में उदासी मिश्रित रहस्य का विचित्र भाव तैर आया। विष्णु का पूरा नाम विष्णु देव पुरोहित था। वो पंडित था, मैं महाजन बनिया। मुझ में इतना धैर्य कहां कि इस रहस्य को जाने बिना रह सकूं? तूने सुना नहीं? तू तो ऐसे निराश और उदास हो गया है जैसे सिर पर कौवा नहीं कोई बला आकर बैठ गई हो। ये कहकर मैं उसकी ओर उत्तर के लिए यूं ताकने लगा कि पंडित जी जो कहना है कह, यूं बेवजह मित्र को डराना उचित है क्या? बला होती तो मैं टाल देता संजू, आखिर दोस्त इसीलिए तो बने होते हैं। पर क्या बताऊं, आज तो तेरे सिर पर वो बैठ गई जिसे कोई व्यक्ति अपने दोस्त के लिए कह भी नहीं सकता। कहते कहते उसने मेरा एक हाथ अपने हाथ में ले लिया।
अब बता भी यार, क्या बैठ गई? इतनी देर से पहेलियां बुझा रहा है। मैं लगभग चीख पड़ा, संजू क्या बताऊं, अब तेरा मेरा साथ छूट गया। अब तू और मैं मात्र एक माह के लिए मित्र रहेंगे। कहते कहते उसकी आंखों में पानी तैरने लगा। ये कौन सा अपशकुन हो गया यार, और ऐसा भी हो गया तो डरता क्यों है? एक महीने बाद पुनः मित्र हो जाएंगे, किसकी ताकत है जो तुझे मुझसे जुदा करे? मैंने वार्ता का रुख मोड़ने का प्रयास किया। संजू तू बिल्कुल बेवकूफ है, तुझे समझाना टेढ़ी खीर है। अब कैसे और किस मुंह से कहूं कि आज तेरे ऊपर साक्षात मौत बैठ कर गई है? कहते हुए वो रुआंसा सा हो गया। मेरा नाम संजय मणियार है, पर विष्णु मुझे बचपन से ही संजू कहता आया है। अभी क्या बक रहा है? अभी तो तेरे भतीजे भतीजी दोनों कुंवारे हैं, उनका ब्याह क्या तू करवाएगा? मेरा दिल फटने लगा था। संजू अब क्या बताऊं, सच तो ये है कि जब भी बूढ़ा कौआ या गिद्ध सिर पर आकर बैठ जाए तो समझो आदमी अधिकतम एक माह और जिएगा। बड़े बुजुर्ग और शास्त्र ऐसा ही कहते हैं, मौत आने के एक माह पहले इशारों द्वारा प्रकट कर देती है कि मौत आने वाली है, बस पहचानने वाला चाहिए। ऐसे अनेक संकेत हैं जिससे मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है। उत्तर देते देते वो हांफने लगा था। वे कौन से संकेत हैं? मेरी आंखें आश्चर्य से फैल गई। भला मैं ऐसी बातों में रस क्यों न लेता? ये बातें तो मेरे दिमाग की खुराक थी। इसमें प्रथम संकेत तो वही है संजू, जो अभी अभी तेरे साथ हुआ। और भी कुछ संकेत हैं। अगर चांद या सूरज में काली दरार नजर आए, या फिर उनके चारों ओर काला घेरा नजर आए, तो समझो मृत्यु निकट है। निकट यानी एक महीने के भीतर भीतर। कहते हुए विष्णु मुझे ऐसे देख रहा था जैसे सिद्ध गुरु अल्पज्ञ चेले की ओर देखता है। ये तो तूने गजब की बात बताई, मौत के अन्य और चिन्ह क्या हैं? अब तक मेरी आंखों में विस्मय सिमट आया था। अगर कानों पर हाथ रखने पर आवाज न सुनाई दे, हाथों की लकीरें टूटने लगे, शीशे में अलग परछाई दिखने लगे, अगर कोई चलते हुए किसी साए को साथ चलता हुआ महसूस करे, चेहरा अचानक पीला पड़ जाए, तो समझो मौत करीब है। विष्णु बिना रुके बोल गया था। बाकी बचे चिन्ह भी उगल दे। मैं भयभीत उसके समीप सरक गया। रात घर के बाहर कुत्ते जोर से भौंकने लगे, मुंह के इर्द गिर्द नीली मक्खियां मंडराने लगे, अचानक आंखों के आगे अंधेरी के साथ चक्कर आने लगे, बायां हाथ लगातार दो दिन तक फड़के, बेवजह मुंह और कंठ सूख जाए तो समझो यमदूत शीघ्र ही द्वार पर आने वाले हैं। विष्णु एक सांस में शेष सभी चिन्ह बोल गया। ये यमदूत क्या होते हैं विष्णु? क्या ये सच में होते भी हैं? अब मेरा मुंह सूखने लगा, लगा जैसे शब्द गले में अटक रहे हैं। यमदूत मृत्यु के देवता यम के दूत होते हैं। वे आत्मा को ले जाते समय जीव को पहले तो उसके दुष्कर्मों के लिए फटकारते हैं, तत्पश्चात ऊपर ले जाकर उसे कर्मों के अनुसार दंड देते हैं। कहते हुए विष्णु ने अपनी आंखें फैलाई तो क्षण भर के लिए वो मुझे काला भसुंडा यमदूत लगा। हालांकि इससे पहले जैसा कि वो था, मुझे सदैव गोरे रंग का तीखा बांका लंबा स्मार्ट बंदा लगा। अनेक लोग तो हमें भाई समझते थे,
क्योंकि कद काठे रूप में मैं भी विष्णु जैसा ही था। 50 पार भी हम दोनों के बाल काले थे और चेहरे पर वो सलवटे नहीं थी जो बहुधा इस उम्र में लोगों में आ जाती है। विष्णु की बातें सुनकर मेरा हृदय भीतर तक कांप गया, विशेषतः एक ऐसा अनिष्ट चूंकि पहले ही मेरे साथ घट गया था और अब जबकि मेरा गला सूखने लगा था, आंखों के आगे अंधेरी और हल्का चक्कर आने लगा था, मृत्यु के अन्य चिन्ह भी स्पष्ट होने लगे थे। मैंने सिर उठाकर ऊपर आसमान की ओर देखा। हे लीलाधर, जीवन भर ठोकते रहे, अब मारने पर उतर आए। सर्दी के दिन थे, दिसंबर समाप्त होने वाला था, आसमान में हल्की धुंध छाई थी। कुछ पक्षी इधर से उधर उड़ रहे थे तो कुछ दाना लेने नीचे उड़कर आते और तृप्त होकर पुनः उड़ जाते। पूर्वी क्षितिज से सूरज उगता हुआ ऊपर उठ रहा था। मैंने गौर से देखा, आज जाने मुझे क्यों लगा सूरज को आड़े चीरती हुई एक दरार उसे विभक्त कर रही है। मैं घबरा गया। मैंने पुनः सिर उठाकर सूरज की ओर देखा। उसके चारों ओर आज एक काली छाई थी जो धीरे धीरे गहरा रही थी। मेरे औसान जाते रहे, दम टूटने लगा। मैं उसी क्षण बेंच से उठकर खड़ा हो गया। चलो अब घर चलते हैं, विष्णु को कहते हुए मैं लगभग चिड़चिड़ा गया। मेरी दशा देखकर विष्णु भी रास्ते में कुछ नहीं बोला। घर पहुंचते पहुंचते मेरी आधी शक्ति क्षीण हो चुकी थी, जैसे किसी ने जिस्म से खून निचोड़ लिया हो। विष्णु की हर बात सच लगने लगी। मुझे लगा संजना को विष्णु की बात बताऊं, पर फिर ये सोचकर चुप रह गया कि ये फिर अपना सिर पीटकर वही कहेगी जो अभी 10 रोज पहले कहा था। बूढ़े हो गए हो पर आपका दिमाग आज भी कच्ची मिट्टी है। अगर आपको कोई सड़क पर उल्टा चलने को कहे और उसके फायदे गिनवाए तो आप थोड़े दिन में उल्टे चलने लगोगे। क्या औंधी खोपड़ी का मर्द मिला है, कभी सीधा सोचता ही नहीं। मैं चुप्पी मार गया। मुझे मेरी स्वर्गीय माँ का स्मरण हो आया जो बहुधा नहाने के बाद मेरी पेशानी चूमकर कहती थी, मेरा राजा बेटा कितना बुद्धिमान है। अगले 10 रोज हालांकि मैं पूर्व दिनचर्या की तरह ही नित्य विष्णु के साथ मॉर्निंग वॉक पर जाता, मगर धीरे धीरे सूखने लगा। मुझे वे सभी चिन्ह संकेत जो विष्णु ने बताए थे मेरे जीवन में घटते हुए नजर आए। एक दोपहर सड़क पर चलते हुए मैंने ध्यान से पीछे मुड़कर दूर तक देखा। हालांकि मुड़ते हुए मैंने पूरा ध्यान रखा कि लोग मुझे मूर्ख न समझें। मुझे मेरा साया नहीं दिखाई दिया। मैं कांप गया। उसी रात कमरे में जाते हुए मुझे लगा कि मेरे साथ कोई चल रहा है। मैं बालकनी में आ गया। बाहर दो कुत्ते चांद की ओर देखकर भौंक रहे थे। मैं डर गया। भीतर आकर हनुमान चालीसा का पारायण किया, तब जाकर मेरा भय कुछ दूर हुआ। सुबह योगा करते हुए मैंने नित्य की तरह कान दबाकर ओम का उच्चारण करने वाला प्राणायाम किया, लेकिन मुझे उतनी ही आवाज सुनाई दी जितनी किसी बहरे को सुनाई देती है। अब के पहले मुझे ये आवाज स्पष्ट सुनाई देती थी। मैं एक कपोल कल्पित भय से घिर गया। हथेलियां पसीने से भीग गई। मैंने वर्षों बाद मेरी हथेलियों को ध्यान से देखा। अरे, मेरी इतनी रेखाएं टूट कैसे गई? पहले तो ऐसा नहीं था। मैं डरकर शीशे की ओर भागा। शीशे में मैं नहीं मानो भूत खड़ा था। मैं सहम गया। बेडरूम में आकर पलंग पर लेटा तो यकायक बायां बाजू फड़कने लगा। अब संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। इन दिनों रात या तो नींद नहीं आती या आती भी तो ऐसे स्वप्न आते जिसमें मेरे वे रिश्तेदार चुप खड़े दिखाई देते जो वर्षों पहले मर चुके थे। भूख प्यास सब मर गई। मुंह बैरी हो गया
अब बात पक्की हो गई। मृत्यु मौन पच्चाप से मेरी ओर इस तरह आ रही थी जैसे कोई भूखी शेरनी मेमने की ओर बढ़ती है। अगर मृत्यु का एक संकेत मृत्यु की संभावना बता देता है तो मुझे घटित होते हुए इतने सारे संकेत ये बताने के लिए पर्याप्त थे कि मेरी मृत्यु समीप खड़ी है। मैं भीतर ही भीतर सिमट गया। लगा जैसे किसी ने मेरे दिल पर मन भर की सिल रख दी हो। विष्णु ने जो कुछ कहा उस बात को अब 10 रोज हो चुके थे। इन दिनों में अक्सर चुप रहता, भीतर रुदन मचा था, किससे कहता। मौत असमय आ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन यूं कहकर डरा डरा कर आए तो इसकी व्यथा वही जानता है जो उसे भुगतता है। आज लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिससे मुझे किंचित राहत मिली। मॉर्निंग वॉक से लौटते हुए मैं और विष्णु नित्य की तरह राम चबूतरे के पास बेंच पर बैठे थे। तभी वही बूढ़ा क्रश कौआ काँव काँव करते आया। कुछ पल तो मेरे ऊपर मंडराता रहा, फिर मुझे छोड़कर विष्णु के सिर पर बैठ गया। मुझे मानो प्राणवायु मिली। मुझे पहली बार लगा हम दुखियारे कितना सुकून देते हैं। विष्णु ने कातर आंखों से आंख ऊंची कर इस दृश्य को देखा। उसका चेहरा लटक गया। मैंने हाथ ऊपर कर कौवे को उड़ाया। लगता है हम दोनों पर कोई भारी विपत्ति आने वाली है। हो सकता है किसी दुर्घटना में हम दोनों साथ मर जाएं। कहते कहते विष्णु की आंखें फैल गईं। अब क्या करें विष्णु? मैंने भी सहमे सहमे विष्णु से पूछा। वो न जाने क्यों अब गहरी गहरी सांस ले रहा था। संजू, यकायक मुझे एक विचित्र गंध आने लगी है। इस गंध का बयां करना मुश्किल है। इसे सिर्फ वही सूंघ सकता है जो मरने वाला हो। ये मृत्यु गंध है। लगता है तेरी मेरी मित्रता को नजर लग गई है। अब तांत्रिकों भोपों की शरण में जाना होगा। मैं तुझे फोन करके बताऊंगा। फिलहाल हम विदा लेते हैं। अब हम दोनों आज के एक माह बाद ही मिलेंगे। दुर्घटना के टलने का बस यही एक उपाय है। इतना कहकर विष्णु उठा, मुझसे हाथ मिलाया और हम दोनों अपनी राह पर चल पड़े। अब सोचने सुनने को क्या बचा था। घर पहुंचा तब तक मुझे पूरा यकीन हो गया कि मैं मात्र चंद दिनों का मेहमान हूं। रात करवटें पर करवटें बदलता रहा। आंखें नींद से बोझिल थी पर पलकें बंद होने से इनकार कर रही थी। तभी मुझे एक विचित्र गंध का एहसास हुआ जो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मेरा कलेजा बैठ गया। रात भर बेडरूम से बालकनी में आता जाता रहा। सुबह न जाने कैसे संजना ने ये तार लिया कि मेरे साथ कुछ लफड़ा हो गया है। उसने मुझसे पूछा तो पहले तो मैं टाल गया, पर जब उसने आंखें ततेर कर पुनः प्रश्न दोहराया कि सच सच बताओ क्या हुआ है, तो मैंने पिछले 10 दिन से हृदय में छुपाया सारा भेद उगल दिया। मेरी बात सुनकर पहले तो वो सहमी, फिर क्षण भर में सामान्य होकर बोली, हम आज ही डॉक्टर त्रिवेदी के चलेंगे। वे अच्छे मनोचिकित्सक होने के साथ साथ प्रख्यात आध्यात्मविद भी हैं। उनके पास हर समस्या का समाधान है। वे मेरे पापा के अच्छे मित्र भी हैं। मैं अभी पापा से बात करती हूँ। और खबरदार, जो विष्णु से इन दिनों मिले या फोन पर बात की, बेवजह अपने साथ आपको भी भौंपों में फंसा देंगे। शाम 5 बजे में डॉक्टर त्रिवेदी के घर ड्राइंग रूम में उनके सामने बैठा था। संजना को उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो मुझसे अकेले बात करेंगे। मुझे पता था संजना ने उन्हें पहले ही मेरे भूत प्रेत डायन पिशाचों के ज्ञान के बारे में बता दिया होगा। मुझे ये भी पता था कि वो स्पष्ट कह देंगी कि ये रात दिन हॉरर बुक्स पढ़ते हैं और फिर रात में सपनों में डरते हैं। क्यों न कहे, अभी 3 दिन पहले ही तो पसीने से तर बतर होकर मैंने संजना को पुकारा था।
हेलो संजय जी, कैसे हैं आप? डॉक्टर त्रिवेदी की आवाज सुनकर मैं इस तरह चौंका जैसे किसी ने मुझे नींद से जगा दिया हो। जी जी, ठीक हूं। मैं ठीक नहीं था, पर मुझे यही उत्तर सूझा। फिर आपके चेहरे पर ये हवाइयां क्यों उड़ रही है? कहते हुए वे जोर से हंस पड़े। मुझे एक बार की लगा कि वे मेरा उपहास कर रहे हैं, पर ये बात सच भी तो थी। उनसे कुछ भी छुपाना दाई से पेट छुपाने जैसा था। मैंने उन्हें सारा घटनाक्रम उतनी ही सत्यता से बता दिया जैसे संजना को बताया था। दिल का गुब्बार निकलने के बाद लगा जैसे सिर पर रखा आधा बोझ नीचे रख दिया हो। आज मुझे पहली बार लगा, अनेक दुख हम यूं ही ढोते हैं, अगर उन्हें किसी को कह दें या बांट लें तो दुख वैसे ही काफूर हो जाता है जैसे दिया जलाने पर अंधेरा। लेकिन ऐसा विश्वास पात्र व्यक्ति मिलता कहां है? तुम्हें किसने कह दिया कि तुम मर जाओगे? मृत्यु तुम्हें मार ही नहीं सकती। डॉक्टर त्रिवेदी अब मेरा चार्ज लेने लगे थे। वो कैसे? मुझे मानो इन्हीं शब्दों की तलाश थी। मृत्यु तुम्हें नहीं मारती, उसे मारती है जो तुम नहीं हो। मृत्यु देह को मारती है, लेकिन तुम देह कहां हो? देह तो नश्वर है। ऐसी देह तो जन्म जन्मांतर में अनेकों बार तुम प्राप्त कर चुके हो। वे सभी देह विनष्ट हो गई तो क्या तुम विनष्ट हो गए? तुम आज भी तो हो। क्यों? ऐसा इसलिए कि तुम एक शक्तिशाली ज्योतिपुंज आत्मा हो जो कभी नष्ट नहीं होती। अगर तुम्हारी आत्मा नश्वर है, ऊर्जा से परिपूर्ण जीवंत है, तो फिर किसके नष्ट होने का दुख लिए तुम भयभीत हो रहे हो? डॉक्टर त्रिवेदी का दार्शनिक भाव अब उनके चिकित्सकीय भाव के साथ प्रकट होने लगा था। ओह, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये बात तो मैंने गीता और अन्य पुस्तकों में भी पढ़ी है, पर संकट के समय सारा ज्ञान जाने किस कंदरा में जाकर छुप जाता है। मैंने बात आगे बढ़ाई। ऐसा इसलिए कि तुम्हारा मन उन सब बातों को शह देता है जो तुम बलात अपने विचारों में बसा लेते हो। तुम उससे बाहर आना ही नहीं चाहते। तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे हर दुश्चिंतन के लिए तर्क जुटा लेती है जैसे कि तुमने जुटा लिए हैं। ये ऑब्सेशन अर्थात बाध्यता नाम का रोग है। इस रोग को हम क्रिएट करते हैं और हम ही हमारे सच्चिंतन आत्मविश्वास से बाहर आ सकते हैं। रोग तुमने बनाया है, तुम मिटाओगे भी तुम ही। उसे तांत्रिक भोपे कैसे मिटा सकते हैं? डॉक्टर त्रिवेदी का चिकित्सा भाव अब दर्शन भाव को लांघने लगा था। इस ऑब्सेशन से मुक्त होने का क्या उपाय है? मैं धीरे धीरे उनके चिकित्सक के शरण में जाने लगा था। उनकी आंखों में ऐसा सम्मोहन था जो मुझे वो सोचने को विवश कर रहा था जो वो चाहते थे और जो जगत का अंतिम सत्य भी था। मैं तुम्हें 3-4 थेरेपी सेशन में बुलाऊंगा, कुछ दवाइयां भी दूंगा जिससे तुम कुछ समय के लिए शांत रहोगे। हो सकता है कि तुम्हें नींद अधिक आए। उसके पश्चात तुम 1 माह के लिए किसी हिल स्टेशन पर घूम आओ। जिंदगी के प्रति सकारात्मक नजरिया पैदा करो। अपनी ऊर्जा और प्राणों को फालतू बातों में खपाने के बजाय ध्यान, आध्यात्मिक और प्रेरक पुस्तकों आदि को पढ़ने में लगाओ। ऐसी बातों में रस न लो जो तुम्हें भयाक्रांत करती है। डॉक्टर त्रिवेदी ने यकायक मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। ओह, सचमुच में भटक गया था अंकल। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि वो मृत्यु गंध क्या थी। मैंने न चाहते हुए भी मेरा संशय प्रकट कर दिया। मृत्यु गंध और कुछ नहीं, जीवन का उत्साह, उमंग और उल्लास से दूर होना है। मृत्यु गंध उचित जीवन दर्शन का अभाव है। ये गंध उन्हें ही आती है जिनका आत्मविश्वास जीवट मर गया है, जो परिस्थितियों का मुकाबला करना नहीं जानते, जो मुर्दा दिल हैं।
जिंदा दिल साहसी लोगों को तो सदैव जीवन गंध ही आती है। वे हर पल हर घड़ी जीते हैं, उन्हें मृत्यु गंध कभी नहीं आती। डॉक्टर त्रिवेदी की बातें सुनकर मेरी आंखों की चमक बढ़ गई। उनके क्लिनिक से बाहर आते आते मेरी मुट्ठियां तन गई। किसी ने मेरे भीतर एक नए विश्वास का शंखनाद कर दिया था। हाँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, हाँ मैं ऐसा ही करूँगा। भीतर दीपक जल जाए तो वहां अंधेरा कैसे रहेगा। हम हिल स्टेशन से लौट कर आए तो मुझे किसी अन्य मित्र से ये दुखद सूचना मिली। कल देर रात तुम्हारे मित्र विष्णु का स्वर्गवास हो गया है। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।